एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत छोटे से गांव में लिली नाम की एक प्यारी लड़की रहती थी। लिली की चमचमाती नीली आंखें थीं, जिनमें अनंत आकाश झलकता था, और उसकी मुस्कुराहट सूरज की तरह गर्म थी। उसका हृदय दयालुता से भरा हुआ था, और वह पूरे गांव में अपने सौम्य स्वभाव और जानवरों के प्रति असीम प्रेम के लिए जानी जाती थी। लिली का सबसे बड़ा दोस्त स्टार नाम का एक खूबसूरत सफेद घोड़ा था। स्टार का कोट ताजी बर्फ की तरह चमक रहा था, और उसकी आंखें रात के आकाश के सबसे चमकीले सितारों की तरह चमक रही थीं। वे अविभाज्य थे, और साथ में उन्होंने सबसे जादुई रोमांच साझा किए। एक धूप वाली सुबह जब गांव पक्षियों के गीतों से जग गया, लिली ने फैसला किया कि यह उनकी पसंदीदा जगह घास के मैदान की यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त दिन है। उसने सेब और गाजर की एक टोकरी इकट्ठी की और स्टार को अपने साथ लेकर गांव से परे विशाल और जंगली घास के मैदान की यात्रा पर निकल पड़ी। जैसे ही वे घास के मैदान में दाखिल हुए, लंबी घासें हवा के रहस्यों को बताने लगीं और रंग बिरंगे जंगली फूल सूरज की ओर बढ़ने लगे। घास का मैदान अनंत संभावनाओं की दुनिया थी, जहां हर कोने में एक नई खोज होती थी। लिली और स्टार ने घास के मैदान का भ्रमण किया। अपने चेहरे पर गर्म हवा और हवा में जंगली फूलों की मीठी खुशबू का आनंद लिया। वे एक बड़बड़ाती हुई धारा के पार आए और स्टार ने धीरे से ठंडा पानी पिया, जबकि लिली ने अपने पैर की उंगलियों को क्रिस्टल स्पष्ट धारा में डुबोया। पास ही खरगोशों का एक परिवार चंचलता पूर्वक उछल कूद कर रहा था और तितलियों का एक समूह हवा में नृत्य कर रहा था। अपने साहसिक कारनामों के बाद लिली और स्टार को एक शक्तिशाली ओक पेड़ की छाया के नीचे आराम करने के लिए एक आदर्श स्थान मिला। उन्होंने सेब और गाजर बांटे, और जैसे ही स्टार ने लिली के गाल थपथपाए, ऐसा लगा जैसे वे एक शब्द भी बोले बिना एक दूसरे को समझ गए हों। जैसे ही वे आराम कर रहे थे, लिली की नजर डेजी के एक मैदान पर गई जो हमेशा के लिए फैला हुआ लग रहा था। आइए डेजी क्राउन बनाएं स्टार, उसने चिल्लाकर कहा। उन्होंने मुलायम सफेद पंखुड़ियां इकट्ठी की और सावधानी से उन्हें मुकुट में पिरोया। लिली ने अपने सिर पर एक मुकुट रखा और प्यार से स्टार के लिए एक मुकुट बनाया जो उसके नाजुक कानों के बीच रखा हुआ था। अपने डेजी मुकुटों के साथ वे नरम घास पर लेट गए और विशाल नीले आकाश की ओर देखने लगे। रोएदार सफेद बादल महल, ड्रैगन और जादुई प्राणियों में बदल गए। तारा धीरे से कुनमुनाई, मानो उसने भी आकाश में मनमोहक आकृतियां देखी हों। घास के मैदान पर गर्म सुनहरी चमक बिखेरते हुए सूरज ने उतरना शुरू कर दिया। लिली और स्टार को पता था कि घर जाने का समय हो गया है, लेकिन उनके दिल हल्के थे और एक आदर्श दिन की यादों से भरे हुए थे। हाथों में हाथ डालकर वे गांव की ओर वापस चले गए, ये जानते हुए कि उनकी दोस्ती और घास के मैदान का जादू हमेशा उनका इंतजार कर रहा होगा, अनंत आकाश के नीचे एक और साहसिक कार्य के लिए तैयार। लिली और स्टार सबसे अच्छे दोस्त थे, और उनके बीच एक विशेष बंधन था जिसे कोई भी कभी नहीं तोड़ सकता था।